नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल चले में। और आज हम NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 के 5th चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और इस चैप्टर को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है वीडियो के माध्यम से, 2 या 3 पार्ट में करके। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप हमारे स्कूल चले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम इसका नोट्स को तैयार करेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप अच्छी तरह से जल्दी याद भी कर लें। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, मैंने पहले भी जब मैं इसे पढ़ा रही थी तो उस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी थी कि ये जो अध्याय है हमारा वो काफ़ी थोड़ा सा लंबा है और इसमें याद करने के लिए, जानकारी के लिए बहुत सारे मुख्य बिंदु है। तो चलिए अब हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है भूमंडल के बारे में। तो भूमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वही हमारा भूमंडल है, उसे ही हम भूमंडल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल। तो गैस की परतें जो वायु को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा जलमंडल। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे कि जलमंडल कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो है भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल है। भूमंडल आप समझ सकते हैं कि जो ठोस जमीन है वो हुआ, वायुमंडल जो कि गैसों का परत है, और जलमंडल जो कि जल है, पानी है, वही हमारा जलमंडल है। अब देखिए, इस अध्याय में आपको कुछ वर्ड दिखे होंगे वो ग्रीक भाषा के हैं, और इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे इसे हम जान लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है लिथास, जिसका मतलब होता है पत्थर। एटमॉस, इसका मतलब होता है वाष्प। हुडर, जिसका मतलब होता है जल। और बायोस, इसका होता है जीवन। अब चलिए हम अब कुछ अपने और मंडल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो कि पहला है हमारा जीव मंडल। तो देखिए, यह एक सीमित क्षेत्र है ना, जहाँ स्थल, जल, हवा और एक साथ सभी रहते हैं। इसके हमने अभी भूमंडल, वायुमंडल, जल को पढ़ा। तो ये जब तीनों चीज़ रहेंगे तो वहीं पर हमारा जीव मंडल रहेगा, और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं तो हमारा वो जो मंडल है वह जीव मंडल कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा महाद्वीप। तो देखिए, 7 प्रमुख महाद्वीप है, उसमें है हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन सभी के विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा महाद्वीप है वो बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा महासागरीय बेसिन। तो देखिए, जब बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं, और सभी महासागर जो है आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो सभी महासागर है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है हमारा माउंट एवरेस्ट। अब देखिए, यह विश्व का सबसे ऊँचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। और देखिए, आपको यह इसका याद करना होगा कि समुद्र तल से 8,848 मीटर यह ऊंचा है, और सबसे जो गहरा भाग है वह प्रशांत महासागर में है, और जो कि मेरियाना गर्त है, और यह है 11,022 मीटर है। इसकी जो गहराई है मेरियाना गर्त की वह 11,022 मीटर है। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं महाद्वीप के बारे में। तो आपने पढ़ा कि महाद्वीप किसे कहते हैं, तो बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और महाद्वीप जो है वो 7 है। क्या क्या है वो? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाद्वीप का या फिर स्थल का जो बहुत बड़ा भाग है वह कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, न्यूजीलैंड के ये कुछ व्यक्तियों के नाम है कि जिसने कब किस देश के जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ाई की।
तो इसमें कुछ महिलाएं भी है, कुछ पुरुष भी है। तो चलिए अब हम इसे विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा, ठीक है, यह 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति थे। मतलब ये दोनों ही व्यक्ति हैं, और सबसे पहले न्यूजीलैंड के इन्होंने चढ़ाई की, और भारत में जो है तेंजिंग शेरपा, इन्होंने एवरेस्ट पर सबसे पहले तेंजिंग ही थे भारत के, उन्होंने चढ़ाई की। अब देखिए, जापान की कुछ महिलाओं के बारे में भी हम जान लें। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जापान, देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ, तो जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975, ठीक है, ये जापान की थी। और बछेंद्री पाल आपने नाम सुना होगा, यह भारत की पहली महिला थी जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल ने पहला कदम रखा था। अब चलिए हम कुछ, अब जो हमने अभी महाद्वीप के बारे में जाना, अब एक एक करके महाद्वीप को जो विशेष जानकारी है उसे हम देख लेते हैं। तो पहले सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, जहाँ की हम निवास करते हैं, ठीक है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, और एशिया के पश्चिम में, चलिए आपको दिख रहा होगा, हाँ, तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यूरोप, इसकी क्या विशेषता है, तो यह एशिया के पश्चिम में है, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका, देखिए एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले एशिया आएगा साइज में, फिर आएगा हमारा अफ्रीका। और जो विषुवत वृत्त है, अपने 0 डिग्री अक्षांश पड़ा होगा, तो इसके मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत, ये तीनों रेखाएं सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं महाद्वीप से गुजरती है, और वो है हमारा अफ्रीका। और जो सहारा का रेगिस्तान है, जो नील नदी है, नील नदी के बारे में आपने सुना होगा, सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी है। तो जो नील नदी है, जो सहारा का रेगिस्तान है, ये सभी अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। और ये जो महाद्वीप है, 4 तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा उत्तर अमेरिका, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, पहले एशिया, अफ्रीका, अब फिर आएगा हमारा उत्तर अमेरिका। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे कि पनामा जल संधि कहा जाता है, और यह 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। तो देखिए जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पनामा जो स्थल संधि है वो कहाँ है, तो आप कहेंगे उत्तर अमेरिका में। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण अमेरिका, तो यह है कि इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, इसका नाम भी दक्षिण अमेरिका है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो पर्वत पठार मैदान है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। तो जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर है। और जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, यहाँ बहती है। देखिए आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी अफ्रीका में है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी वो है अमेजन नदी जो कि अमेरिका में है, ठीक है। अब चलिए अब हम अपने नेक्स्ट जो महाद्वीप है उसके बारे में जान लें, तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जब पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, सबसे बड़ा तो हमने बताया कि एशिया है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब देखिए यह है अंटार्कटिका जो कि सातवां महाद्वीप है, तो यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, और यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका होता है जिसके कारण यहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शोध केंद्र है वहाँ पर बनाए गए हैं। और जो भारतीय शोध केंद्र है उसका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। तो इस तरह से जो हमारा महाद्वीप है
उसके बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा। आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और अब हम कुछ और जानकारियों को प्राप्त कर लें। तो नेक्स्ट है हमारा जल संधि के बारे में। तो पानी का जो संकरा भाग होता है, जो दो बड़ी जलाशय जैसे कि समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो उसे जल संधि कहेंगे। अब देखिए, भारत तथा श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। आपसे किताब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा जलमंडल। तो पृथ्वी का जो 71% भाग जल है, 29% जो भाग है वह स्थल है। अब देखिए, 97.5% महासागरीय जल है और 2.5% अलवण जल है, जो कि खारा है, उसमें नमक है, आप कह सकते हैं लवण है, वो घुला हुआ है। अब देखिए, अब हम महासागर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, महासागर पांच है ना, और उसमें से जो सबसे पहला सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। तो ये सबसे बड़ा महासागर है और एक तिहाई भाग पर यह फैला हुआ है, और जो मेरियाना गर्त है जो कि सबसे गहरा भाग है वो यहीं पर है, प्रशांत महासागर में ही है। और जो एशिया है, देखिए जो एशिया है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इसके चारों ओर फैला हुआ है। किसके चारों ओर? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया है ना, और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इसके चारों ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह एस आकार का है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस आकार की है, तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है, और जो इसकी तट रेखा है वह दंतुरित है। दंतुरित के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसकी मतलब कटी फटी तट रेखा हो, और जिसके कारण यहाँ पर जो पोताश्रय होता है, आप कह सकते हैं कि जहाज़ों के उतरने चढ़ाने के लिए यह जो स्थान होता है काफ़ी मतलब यातायात के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिंद महासागर। तो यह लगभग आप नाम से ही जान सकते हैं कि यह एकमात्र ऐसा महादेश महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। वो देश कौन सा है? हिंदुस्तान है ना, आपने सुना होगा। और यह लगभग त्रिभुजाकार है, तो इससे भी सवाल आ सकता है कि वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार की है, तो आप हिंद महासागर कह सकते हैं। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा दक्षिण महासागर। तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अब देखिए, नेक्स्ट और पांचवा सबसे अंतिम हमारा जो महासागर वो है आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुव में वृत्त में स्थित है और यह प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि तथा उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया को यह घेरा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम वायुमंडल के बारे में, हमने अभी स्थल मंडल के बारे में तो जान लिया, और अब हम वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे कि वायुमंडल कहते हैं। और यह है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसे पांच भागों में बांटा गया है। तो वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि पाँच भागों में। क्या क्या? तो वायुमंडल, देखिए वायुमंडल ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना हुआ है, और जो नाइट्रोजन है वो वृद्धि के लिए ज़रूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए, वैसे ही जो नाइट्रोजन है वह वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन जो है वह 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और इसके अलावा भी जो कुछ और गैसें हैं वह है 1%। तो स्थल मंडल हमने जाना, वायुमंडल को भी जाना, और जो नेक्स्ट और अंतिम है वो है हमारा जीव मंडल। तो देखिए, यह स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, और यह प्राणियों को दो भागों में विभक्त करता है, जंतु जगत और पादप जगत। पादप में आप पेड़ पौधों को रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो हमारा अध्याय 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल,
तो ये तो समाप्त हुए, तो एक बार हम फिर से फटाफट इसका रिवीजन कर लें। तो जो पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल है वो है भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ठीक है। और जीव मंडल उसे कहेंगे जहाँ पर ये तीनों भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक साथ मिलते हैं, तो वो हमारे लिए जीवन को बनाए रखते हैं, तो इसलिए ये जीव मंडल कहलाता है। अब देखिए महाद्वीप जो है वो सात महाद्वीप है ना, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। ये महाद्वीप है, सात महाद्वीप है। अब महासागर कितने हैं, है ना, महासागर के बारे में भी आप जान लें। तो महासागर है हमारे पांच, तो उसमें है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये हमारे स्थल मंडल है। वायुमंडल में आप जैसे कि हमने भी बताया कि पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरा हुआ है जिसे वायुमंडल कहते हैं, और यह 1600 किलोमीटर तक ऊंचा है और इसे पांच भागों में भी बांटा गया है, तो ये हमारा वायुमंडल हुआ। और जीव मंडल में तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ स्थल, जल, हवा एक इसका एक सीमित भाग है, और जहाँ जीवन मौजूद हो तो वो हमारा जीव मंडल हो गया। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है जो कि जंतु जगत और पादप जगत हुआ। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय है पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल अध्याय पाँच, तो आज यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय सिक्स को पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। अध्याय तो हमने पढ़ लिया है, तो इसका हम नोट्स बनाएंगे ताकि आपको जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसे याद करने में आसानी हो। तब तक आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले। धन्यवाद।